नमस्कार, चैनल यंग स्टार टाइम्स में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आप मान सकते हैं कि सैकड़ों मील दूर मौजूद किसी व्यक्ति को रिमोट सेंसिंग कैमरों और फेस डिटेक्शन तकनीक के जरिए पहचाना जाए और फिर वहां पहले से फिट बंदूक को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही सैटेलाइट लिंक के जरिए चलाकर उस व्यक्ति विशेष की हत्या कर दी जाए। किसी की हत्या करने का यह बेहद पेचीदा तरीका है, लेकिन ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के लिए शायद इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान ने उस हत्या का आरोप अपने कट्टर दुश्मन इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा दिया था, लेकिन उसके पास इस रहस्यमय हत्या का कोई भी सबूत नहीं था। परंतु अब अमेरिका के एक जाने माने अखबार ने हाल ही में इस पूरी साजिश को बेनकाब करने का दावा किया है। आइए इस हैरत अंगेज किस्से को विस्तार से समझते हैं। वो सन 2020 की 27 दिसंबर की तारीख थी। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। उसी समय ईरान की राजधानी तेहरान शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर काले रंग की 5 गाड़ियां आगे बढ़ रही थीं। रास्ते में एक मोड़ आया। गाड़ियों के काफिले की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और तभी अचानक एक गाड़ी पर फायरिंग होने लगती है। अगले ही पल उस कार में बैठा एक बुज़ुर्ग एक तरफ लुढ़क जाता है। काफिले की गाड़ियाँ रुकती हैं। इसी वक्त कुछ ही दूरी पर मौजूद एक पिकअप वैन में ज़ोरदार धमाका होता है। धूल और धुआं जब छटता है तब पता चलता है कि ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह इस दुर्घटना में मारे गए हैं और उन पर हमले में यूज़ की गई गाड़ी को विस्फोटकों से तबाह कर हत्यारों के निशानदेही के रास्ते भी बंद किए जा चुके हैं। ईरानी खुफिया एजेंसियाँ फौरन इस हमले के इसराइल के ज़िम्मेदार ठहराने लगती हैं और जांच भी शुरू कर देती हैं, लेकिन पूरा जोर लगाने के बावजूद उन्हें कातिल का कोई सुराग नहीं लगता। मगर हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में इस मामले के पीछे छिपे राज का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फखरीजादेह की हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वह बेल्जियम निर्मित एक रोबोटिक मशीन गन थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थी। इस पूरे हथियार का वजन तकरीबन 1 टन के आसपास था। साजिश को पूरी तरह गुप्त रखने के उद्देश्य से इस वजनी हथियार को छोटे छोटे टुकड़ों में स्मगल कर ईरान पहुंचाया गया था और ईरान लाने के बाद इसे रिसेंबल कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक फखरीजादेह की हत्या के लिए मोसाद के इस कंप्यूटराइज्ड हथियार को एक लावर सी दिखने वाली पिकअप वैन में फिट किया गया था। प्लान के मुताबिक इस वाहन को इजरायली एजेंसी के साथ काम करने वाले ईरानी एजेंटों ने मेन रोड की उस जगह पर फिट किया था जहां से फखरीजादेह के काफिले को गुजरना था। वहां एक यू टर्न था। मोसाद के उस गन लगे वाहन में रिमोट सेंसिंग कैमरे और फेस डिटेक्शन तकनीक के उपकरण फिट थे और साथ ही उस वैन में विस्फोटक भी भरा हुआ था ताकि हमले के बाद उस वाहन को नष्ट किया जा सके। हमलावरों की टीम को जैसे ही फखरीजादेह के घर से बाहर निकलने की सूचना मिली तभी ईरान से सैकड़ों मील दूर किसी गुप्त जगह पर बैठे उन ट्रेंड हमलावरों ने अपना काम शुरू कर दिया। यूटर्न पर जैसे ही फखरीजादेह की गाड़ी पहुंची, दूर बैठे ट्रेंड निशानेबाज ने रिमोट सेंसिंग कैमरे और फेस डिटेक्शन तकनीक के जरिए कार में बैठे व्यक्ति के चेहरे को पहचाना और अपने शिकार से उसका सही मिलान होते ही अपने रिमोट से पिकअप वैन पर फिक्स मशीन का ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद मोहसिन गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन तभी उन पर 3 गोलियां चली और वह सड़क पर ही गिर पड़े। फखरीजादेह की पत्नी जैसे ही उन्हें देखने पहुंची, तभी हमलावर वाहन में धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे हमले के दौरान कुल 15 गोलियां चली।
60 सेकंड से भी कम समय में पूरे हमले को अंजाम दे दिया गया। पूरा सिस्टम इतना सटीक रहा कि फरशादेह के अलावा हमले में किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट बताती है कि मिशन को सैटेलाइट लिंक के जरिए अंजाम तक पहुंचाया गया था, जबकि ऑपरेशन में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हाईटेक एजेंट्स व उनके कुछ ईरानी सहयोगियों सहित कुल मिलाकर 20 एजेंट्स ने भाग लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के पास मोहसिन फखरियादेह के हर मोमेंट की जानकारी थी। इसके लिए उन्होंने 8 महीने तक रैकिंग की थी और इसके लिए हर तरह के इंटेलिजेंस इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया था। इसराइल द्वारा इस मिशन को इतनी गंभीरता से लेने का भी एक विशेष कारण था। दरअसल 59 वर्ष से मोहसिन फखरियादेह ईरान के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु वैज्ञानिक थे। ईरान में उन्हें फादर ऑफ ईरानी एटम बम कहा जाता था। उनके ही नेतृत्व में बड़े ही गुप्त रूप से ईरान का एटम बम निर्माण मिशन चल रहा था, मगर इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर सफल होते देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वह उसके खुद के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए वह पहले भी ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करा चुका है। इसराइल ने फखरियादेह को भी टारगेट तब किया जब वे परमाणु बम तैयार करने के करीब पहुंच चुके थे। वैसे भी वे अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की आंखों में लंबे समय से खटक रहे थे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।